लगा दे, तो यार पाँच में लगा दे। मोमबत्ती जलाकर युवाओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमर जवान ज्योति पर शनिवार को सुकमा हमले और बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दो मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति की प्रार्थना दुआ की गई। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सांसद महेश जोशी, NSUI के हुसैन सुल्तानिया, इंटक प्रदेश अध्यक्ष बाबू भाई व अनेक युवा इस मौके पर उपस्थित रहे। आज़ाद भारत में भी देश की सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं, जो फौजी लगे हुए हैं, जो अर्थव्यवस्था के बल हैं, जो भी सिपाही जो देश की सुरक्षा में लगे हैं, उनके प्रति राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहता है। और एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम आज यहाँ अमर जवान पर आए हैं। सारे नौजवान साथी हमारे और सारे हमारे सारे साथी नौजवान वो सारे के सारे साथ आए हैं। जो अभी छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जो हमारे शहीद हुए, उन सैनिकों की शहादत को सलाम करने के लिए एक कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, और जो हमारे सैनिक हैं उनको इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि आप अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जान की बाजी लगाकर पूरा करते हो तो पूरा राष्ट्र भी आपके साथ हो, ये भावना लेकर हम आए ताकि सारे सैनिक, चाहे वो अर्धसैनिक बल के हों, चाहे वो फौज के हों, चाहे पुलिस के हों, जो भी देश की सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, उन सब के प्रति हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उनके जज्बे को और उनकी शहादत को सलाम। एक मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाए, पहले भी शहीद उतरे हैं, ये घटनाएँ लगातार हो रही हैं, पाकिस्तान में हमला कर रहा है। पहले जो NDA सरकार की ओर से हमला होता था लगातार, देखिए हमने कभी शहादत को या देश की जो फौज है उसके आधार पर कभी राजनीति करते हैं। हमने फौज को, सिपाहियों को,
देश की सीमाओं पर लोग राजनीति का मुद्दा लेते हैं। यूपीए की आप सरकार की बात करते हैं, उसको बात करें तो अब तक का कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस ने कभी भी शहादत को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, उससे कभी लाभ लेने की कोशिश नहीं की, और हमारा आगे के लिए भी दृढ़ विश्वास है कांग्रेस कभी ऐसा करेगी। कांग्रेस जैसा मैंने कहा शुरू मैंने स्वाधीनता सेनानी से किया, कांग्रेस स्वाधीनता सेनानी की पार्टी है, कांग्रेस को इस बात का फख्र हासिल है, इस बात का गौरव है, इस बात का गर्व है कांग्रेस को कि देश की आज़ादी के जो दीवाने रहे, जो स्वाधीनता सेनानी रहे, वो लगभग सारे अगर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होंगे तो कांग्रेस से जुड़े। ये भी कह सकते हैं कि देश की आज़ादी का इतिहास और आज़ादी से पहले की कांग्रेस का इतिहास वो एक ही इतिहास है। तो कांग्रेस हमेशा से ये इस बात के लिए कोशिश करती रही है, या तो हमने कभी आज़ादी की लड़ाई को लिया अपना कोई चुनावी मुद्दा बनाया, और न कभी देश की सुरक्षा में लगे जो सैनिक हैं, जो फौज है, जो अर्धसैनिक बल है, उनको कभी राजनीति का मुद्दा बनाया। आगे भी हम ऐसा नहीं करेंगे, जो ऐसा करते हैं उसको जनता देख रही है। आज एक पल पल परसेंट जब लोगों को समझ में आएगा तो लोग अपना उस बात का चला। लेकिन पहले वादे बहुत करते थे, वो दावे भी किए गए थे कि 10 से काट के लाएंगे, लेकिन अब शरद वही बात है कि मैं अभी आज चुकी हम यहाँ पे शहादत को सलाम करने के जाए, इस मौके पर अगर मैं मुद्दा उठाऊँ वो बात भी ठीक है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि चाहे वो 56 इंच के सीने की बात हो, चाहे सिर काट के लाने की बात हो, ये सारे राजनीतिक हमने नहीं बनाया, और हम आगे भी ये कहना चाहते हैं कि हम आगे भी इन बातों को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाएंगे। जिन लोगों ने उन इन बातों को राजनीति का मुद्दा बनाया है उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मशुद्धि करनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि उन्होंने देश के सैनिकों की शहादत को राजनीति का मुद्दा बनाकर उसको पेश करना। आपने जयपुर शहर का नेतृत्व पहले किया है, लेकिन अब सफाई का मुद्दा हो या और विकास का मुद्दा, जयपुर शहर पिछड़ता जा रहा है, कुछ लोगों मानते हैं जब सरकार की इच्छा ही ऐसी, सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती, जो चुनी संस्थाएं हैं वो कुछ नहीं करना चाहती, वो जो संस्था में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है, तो नगर निगम जैसा चुनाव हुआ आज है वैसे ही पहले पहले भी काम होता है। ये सरकार की असफलता है, नगर निगम की असफलता है, और जनता इन बातों को भूलेगी नहीं, जनता देख रही है आज कहाँ हम 215 नंबर पर आए। कुल मिला के स्थिति जयपुर की नहीं, पूरे राजस्थान की स्थिति खराब हो गई। जयपुर की बात है, राजस्थान का एक शहर वो 215 से पहले नहीं आता है। ये कुल मिला के सरकार की असफलता को बताती है, सरकार की संवेदनहीनता को बताती है, और इस सरकार के में लोग शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक जिस पार्टी की सरकारें हैं वो सिर्फ और सिर्फ वादों की, घोषणाओं की, जुमलों की पार्टी है। उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि 15 लाख रुपए जमा कराना एक चुनावी एक जुमला था, तो जुमले के हिसाब से राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी बातें आगे भी जुमला हिसाब। एक नई से जो घटना ही हुई उसके अंदर हमारे वीर प्रेमजीत सिंह जी और प्रेम साधु जी शहीद हुए थे, तो ये घटनाएँ इसी बार ने कई बार बताया गई, तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे सफर का इम्तहान काल है, जिस दिन हम शुरू करेंगे उसके खिलाफ रुकने की जरूरत नहीं मिलेगी। भाई साहब ने कहा है कि राजनीतिक मुद्दे पहले में कहा था कि एक सर के बदले हम 10 सर लेके आएंगे, वो तो लाए नहीं लाए, लेकिन हमारे सर काफ़ी जा चुके हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए, तो इस मुद्दे के ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये लोग कर रहे हैं।